प्रिय दर्शक साथियों नमस्कार। साहित्य जगत कार्यक्रम में मैं प्रभात मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि आज हम साहित्य की एक नवीन विधा, वैसे साहित्य में तो अनेक विधाएं हैं लेकिन इस नवीन विधा जिसका हम नाम यात्रा वृत्तांत के नाम से जानते हैं आज उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों जब यात्रा और वृत्तांत इनकी बात आती है तो बरबस कुछ नाम अनायास हमारे मन मस्तिष्क में छा से जाते हैं। उनमें से कुछ बानगी कुछ नामों की मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर, राहुल सांकृत्यायन, देवेंद्र सत्यार्थी और निर्मल वर्मा। ये वो पीढ़ी है जिन्होंने यात्रा वृत्तांत को न केवल पुष्ट किया है अपितु साहित्य जगत को वो समृद्ध संपदा दी है जिसे आज हम लेकर के चल रहे हैं। मुझे मेरी जीवन यात्रा राहुल जी का लिखा हुआ कुछ संदर्भ जब याद आता है तो उन्होंने उसमें एक शेर का जिक्र किया है जो मीर ख्वाजा दर्द का है कि शेर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो साथियों आज यात्रा वृत्तांत के इस महत्वपूर्ण संस्करण में हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद दो मेहमानों से जिनका मैं आपसे परिचय कराने जा रहा हूं। हमारे साथ बैठे हैं दीपेंद्र दीवान जी, आपका स्वागत है दीवान जी स्टूडियो में, और भाई ललित शर्मा जी। नमस्कार ललित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। जैसा कि यात्रा वृत्तांत का जो संदर्भ है आप सब उसको जी रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि यात्रा जो है स्वयं में साध्य नहीं साधना है, पर लेखक के लिए वो साध्य ही है। तो हम दीपेंद्र जी आपसे अपनी इस चर्चा की जो है शुरुआत करेंगे और हम चाहेंगे कि आप किसी ऐसे महत्वपूर्ण वृत्तांत से हमारी इस परिचर्चा का शुभारंभ करें। मैंने एक यात्रा की थी 2015 में जी, ठंड के दिन थे वो और रात को 9 बजे रायपुर शहर से निकला था, 11:30 बजे उस जगह पे पहुंचा था, ओस की बूंदे आसपास थी। जब वो यात्रा हुई बहुत सुखद था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, जंगल का सफ़र था, छोटी छोटी चीज़ें एटमॉस्फेयर में इतनी अच्छी थी, पर्यावरण में हमको इतना अच्छा लग रहा था, तो वो जो फीलिंग्स थी उस समय हमने उसको जिया महसूस किया। फिर वो यात्रा से आने के बाद में मैंने उसको पेपर पे लिखा तो पेपर में उसकी हेडिंग थी कोलाहल से दूर ओस की बूंदों के बीच गोमड़ा का सफ़र। वो हेडलाइन इतनी आकर्षित हुई, उस पर्यटन स्थल पर लोग जाया नहीं करते थे, लोगों को पता नहीं था, जब पत्रिका में प्रकाशित हुई तो उसके बाद लोग उसको पूछने लगे जानने लगे। तो कई बार जब हम साहित्य लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम वातावरण उसके आसपास के क्या चीज़ें हैं क्या खासियत हैं उसको हमको फोकस करना चाहिए लिखना चाहिए। जी जी, स्थल का नाम आपने क्या बताया? गोमड़ा। गोमड़ा एक फॉरेस्ट सेंचुरी है। अच्छा, जो सारंगढ़ के पास में है, 20 किलोमीटर दूर है। जी जी जी, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द है और उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। एक लेखक का ये भी कर्तव्य हो सकता है जब वो इस प्रकार से लिखता है तो अपने स्थानीय चीज़ों को कैसे उठा सकता है, उसके बारे में कैसे बता सकता है, क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे उनकी विशेषताएं हैं, उन पे अगर वो अपना ध्यान ले जाए तो बहुत अच्छी रचनाएँ लिखी जा सकती हैं। भाई ललित जी, आप तो इस क्षेत्र में बहुत लंबे अरसे से सक्रिय हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप 3 दशक से अधिक की यात्रा आप कर चुके हैं। ललित का जब लालित्य उनकी पुस्तकों में दिखता है तो वो किस प्रकार से उसका रंग सामने आता है, थोड़ा हमारे दर्शक साथियों को बतलाना चाहेंगे आप? जब यात्राओं को वृत्तांत के रूप में दर्ज किया जाता है तो उसके साथ उन पुस्तकों में या उन आलेखों में बहुत सारी चीज़ें वहाँ के माहौल की वातावरण की सिमट के वहाँ पर आती हैं जो है, और उसका लेखन का एक अलग ही आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना आनंद यात्रा में आता है उतना ही आनंद या उससे अधिक आनंद जो है उसको यात्रा के लेखन में आता है। जी जी बिल्कुल। तो जब हमारे पास कहना चाहिए कि स्पेस नहीं था तब हमको ऑनलाइन स्पेस मिला लिखने के लिए। बिल्कुल। और जब ऑनलाइन स्पेस मिला तो वहाँ से फिर एक यात्रा लेखन की जो कहना चाहिए यात्रा जो है हमारी वो बदस्तूर जारी रही और देश विदेश के पाठक मिले तो उसका बड़ा आनंद, उसका एक अपना ही आनंद था। जी जी। तो
तो इस तरह जो है यात्रा यात्रा लेखन प्रारंभ हुआ। पहले भी पत्र पत्रिकाओं में लिखा करते थे जी। संस्मरण की जो बात है, जो आप अपने पुस्तकों में आपने जिक्र भी किया है, जनरल बोगी, सरगुजा का रामगढ़, तो किस मतलब कहना चाहिए किस चरण से, या कोई ऐसा क्षण जो आपको अभी याद आ रहा हो जिसे आप हमारे दर्शक साथियों को पढ़ करके सुनाना चाहते हों, तो हम वहाँ से आपकी इस यात्रा वृत्तांत का जो संदर्भ है सुनना चाहेंगे। मैं मेरी दो यात्रा लेखों में से जी एक के आरंभ से पढ़ूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और एक के समापन से पढ़ूंगा। जी जी, उसका जो प्रारंभ है वो मेरे ख्याल से बहुत ही आकर्षक है। क्या है कि मेरी यात्राएं थोड़ी अलग तरह की रही हैं। प्रातः काल में उषापान आवश्यक है, उष्मा बनाए रखने के लिए चहलकदमी होनी चाहिए जी, जिससे शरीर रूपी यंत्र सतत सक्रिय रहता है। रामगिरी की तराई की रेत पर टहलते हुए सोचता हूं कि पूर्व जन्म में भी कभी मेरा काफिला यहां रुका था, आज भी कारवां यहीं ठहरा है। अलाव की राख में दबी चिंगारी को एक बार फिर हवा देकर मैंने अग्नि प्रज्वलित की। बंजारा एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर आगे बढ़ जाता है, परंतु कभी चूल्हे में या अलाव में पानी डालकर अग्नि को शीतल नहीं करता। क्यों? उसकी अग्नि सतत प्रज्वलित रहती है, यही अग्नि उसे अगले पड़ाव पर तैयार मिलती है। बंजारे की बाढ़ देखते हुए अग्नि जीवन से लेकर मृत्यु तक साथ निभाती है, और इसी आशा में फिर वह एक शिल्पकार आएगा, अपनी फूंक से राख को उड़ाकर अग्नि प्रज्वलित करेगा, राख को राख कर देगा, धुआं को धुआं कर देगा, अग्नि को स्वर्णिम कर देगा। बहुत सुंदर, बहुत। तो दीपेंद्र जी, आपने एक संदर्भ बताया और यात्रा वृत्तांत को, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस कार्यक्रम को जब वो देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि यात्रा वृत्तांत की वो बारीकियाँ क्या हैं, मतलब एक अनुभूति जन्य बातें हैं जो अनुभूति में आती हैं उसको हम प्रकट करते हैं लेखनी के द्वारा जी। क्योंकि पाठक की जो जिज्ञासा है वो भी तभी तृप्त होती है जब लेखक उसको उकेरता है जी जी। तो यात्रा का जो वृत्तांत है आप क्या मानते हैं कि वो उसका संदर्भ क्या होना चाहिए, उसके बहुआयामी जो उसका स्वरूप है वो क्या होना चाहिए? मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, जब हम किसी यात्रा को पेपर पर लिख रहे हैं, उस वृत्तांत को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जी, तो जो चीज़ें हमको पहले पता है, जो वहाँ की प्रसिद्धियाँ हैं, जो वहाँ का संस्कृति है, या जो जिससे लोग पसंद करते हैं, जो पढ़ना पसंद करते हैं, उन सब चीज़ों पर प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी क्या हो गया है कि लोगों में जो एक पाठक होता है उसको नयापन चाहिए होता है, डेली के जीवन में सभी के तनाव होता है, तो कुछ ऐसा कुछ पढ़ना चाहता है जिससे उसको पढ़ते से उसको लगे कि नहीं कुछ अच्छा है, यहाँ जाना चाहिए, तो उसके प्रति वो आकर्षित हो। तो आकर्षण कई प्रकार से हो सकता है। आकर्षण के लिए आप अगर आपका इतिहास के प्रति रुचि है तो इतिहास से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें रख लें, आपकी अगर सामाजिक कोई रुचि है तो समाज से रिलेटेड कोई चीज़ रख लें, कई लोगों की आर्थिक रुचि होती है, वहाँ पे लोकल क्या चल रहा है तो उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें रख लें, कई लोगों को खान पान से रिलेटेड रुचि होती है तो जब आप लिख रहे हैं तो वहाँ का खान पान कैसा रहा, तो इस प्रकार से जो भी व्यवहार में वहाँ पे हम जब जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमने खुद फील की, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है जब हम लिख रहे हैं, हमारी खुद की जो अनुभूति है, हमने क्या महसूस किया, उसको हमको पहले पेपर पे रखना है। साथ में हमें इस बात का भी ध्यान देना है, चूँकि ये पेपर बाकी लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने लायक हो, तो फीलिंग्स के साथ में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हमेशा हम लोग करते हैं, कुछ शब्दों का चयन, शब्दों के चयन जब हम उसमें एक अगर उसके अंदर हम रस नहीं डालेंगे तो रस मिलेगा नहीं पाठकों को, लोग उसको पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। ललित जी, जैसा कि दीपेन जी ने ये बात बतलाई, आपका क्या मानना है कि यात्रा और वृत्तांत और साथ ही साथ पर्यटन का भी कुछ आ जाता है, ये जो त्रिकोण बन रहा है उसको आप किस ढंग से परिभाषित करना चाहेंगे? क्या है, यात्रा जैसे आपने कहा पर्यटन, पर्यटन और यहाँ पर एक शब्द और आता है जोड़ता हूँ, वो है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी, तो घुमक्कड़ी और पर्यटन में एक मूलभूत अंतर है। घुमक्कड़ वो होता है जो कम से कम पैसे में अधिक से अधिक जगह देखना चाहता है, अधिक से अधिक जगह का आनंद लेना चाहता है। पर्यटक वो होता है कि जेब में पूरा पैसा लेके जाता है और जो उसको घर में भी प्राप्त नहीं हो पाता वो उस जगह पैसे से प्राप्त करना चाहता है। उसका
पर्यटन करने का उद्देश्य यह है कि खुद को रिलैक्स करना, जी, जिज्ञासा या जानकारी लेकर यात्रा करना नहीं। हमारे यहाँ प्राचीन काल से यात्रा की परंपराएं रही हैं, देशाटन, तीर्थाटन और पर्यटन। हमारे जो साधु संत ऋषि मुनि जो रहे हैं, ये सभी घुमक्कड़ रहे हैं। तो घुमक्कड़ी एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ से आप सभी विषयों की जानकारी प्राप्त करते हैं और सभी विषयों को आप अच्छे से जानते हैं। एक घुमक्कड़ होने के लिए आप, जब आप घुमक्कड़ होंगे, एक तो आप एक अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, एक आप अच्छे सोशियोलॉजी के जानकार होंगे, एक अच्छे आप पर्यावरण के जानकार होंगे, एक आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें, आप इतिहास के जानकार होंगे। जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा जो सारी चीजें जो है हमको वहाँ पर सिखाता है। और यही चीजें हमको हमारे यात्रा वृतांत में जब आती हैं, तब उसको पाठक को उसमें रस आता है। आप किसी पुराने पुरातत्व स्थल को जाएंगे, किसी प्रतिमा को देखेंगे, तो उस प्रतिमा को अगर आप पहचानते होंगे तभी तो उसके बारे में लिखेंगे। जी जी। कि भाई हमारे पुराणों में वर्णित वर्णित ये स्वर्ग की कौन सी अप्सरा है, कि अंजना है, कि मुग्धा है, कि कौन सी अप्सरा है, ये बिल्कुल, है? बिल्कुल, है ना, ये देवता है, ये कौन से देवता है यहाँ पर जी, जो मंदिरों की भित्ति में स्थापित है, वहाँ के पर्यावरण में वहाँ की जैव विविधता क्या है, बिल्कुल, है ना। तो आप किसी फ्लोरा फोना को पहचानते होंगे तब तो आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिलेगी और वही आपकी यात्रा वृतांत में आएगा। आपके यात्रा वृतांत में वहाँ के लोकगीत भी आएंगे, वहाँ की लोक कथाएं भी आएंगी, वहाँ के बुजुर्गों से चर्चा करके हमको जो मिला वो आएगा, वहाँ का खान पान आएगा जी। तो ये सारी चीजें समग्र होने के पश्चात तब कहीं जाकर एक यात्रा वृतांत का निर्माण होता है, किताब का निर्माण होता है। मुझे ललित जी एक संदर्भ भी याद आ रहा है, जब रविंद्रनाथ टैगोर का मैं कहीं पे पढ़ रहा था तो उस पर एक जिक्र आया कि पूछने वाले ने पूछा था उनसे कि आपको साहित्य के संदर्भ में ये जो है दृष्टिकोण कहाँ से मिला आपको और आप किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचे। तो उन्होंने इस संदर्भ में ये बतलाया था कि इसमें पूरा जो योगदान है वो मेरे पिता का है, क्योंकि हमारे पिता जो हैं हमेशा हमें देशाटन के लिए ले जाते थे, हमेशा वो भ्रमण करवाते थे। तो कहा भी गया कि भ्रमण से भ्रम दूर होता है। तो जब आप यात्रा वृत्तांत की ये बात बता रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से पहलू हैं जो यात्रा वृत्तांत में ध्यान देने योग्य हैं, जिसे पाठक जो है उस वृत्तांत से रस पाता है और तृप्ति का कहना चाहिए एहसास करता है वो। क्या होता है जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा जो है, हर जगह की यात्रा सुगम यात्रा नहीं होती है। पहले लोग जब तीर्थाटन को जब निकलते थे जे, तो पूरे गांव के लोग जो है उसको विदा करते थे, बिल्कुल, कि ये वहां से जाके लौट आएगा कि नहीं लौट आएगा, बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम देखकर और घूमकर दो दिन में लौट आते हैं। लेकिन आप जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह की आत्मा को जानना बहुत आवश्यक है। जे, मेरे लेखन में आप देखेंगे कि उस जगह के टिपिकल शब्द भी आपको मिलेंगे उस भाषा के। वो भाषा जिस जगह जाता हूं तो ऐसा लगता है कि कुछ दिन के लिए मैं उस जगह का ही हो गया हूं। जी हां जी, वही भाषा, वही बोल बोलचाल, उसी वहां का खान पान, वो सब जो है मेरे व्यक्तित्व में आ जाता है। वो तो जो नशा चढ़ता है वो दो चार दिन बाद घर पहुंचने के बाद उतरता है। तो ये सारी चीजें जो है यात्रा वृतांत में आती है कि वहां के लोग क्या खाते हैं। देखिए, आपसे अगर कोई पूछता है कि रायपुर से अभनपुर कितनी दूर है, आप बताएंगे 27 किलोमीटर है। लेकिन आप किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे, उसे पूछेंगे कि रायपुर से अभनपुर कितनी दूर है, तो बोलेगा 10 रुपए की दूरी पे है। फिर किसी तीसरे से पूछेंगे ये कितनी दूर है, तो बोलेगा 1 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ पर आपको क्षेत्र बदलने के हिसाब बदलते ही एक ही दूरी आपको तीन तरह से पता चल रही है, कि एक काइंट्स के पैसे के हिसाब से, एक दूरी के हिसाब से, एक समय के हिसाब से। तो ये सारी जानकारियां जो है हम जब यात्रा करते हैं तब हमको प्राप्त होती है। दूसरी बात, मानसिक विकास होता है व्यक्ति का, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो नजदीकी से उनके संपर्क में आता है, बिल्कुल बिल्कुल, और देश की धरोहर को, थाती को जानता है। और वही चीजें जब आपकी यात्रा वृतांत में आ रही है, गांव में बैठकर जब आप निकलते हैं किसी गांव से और दो स्त्रियां गाना गाती होती हैं, उनके पास अगर आप बैठ जाते हैं तो दीदी क्या गा रही हैं जरा, आपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, ट्रांसक्रिप्ट कर लिया, आपकी यात्रा वृतांत में आ गया। मेरी जनरल बोगी है, इसमें
मैंने 90 में राजस्थान के बहुत सारे इलाके का सन 1990 में दौरा किया था जनरल बोगी में बैठ। अच्छा अच्छा कि जनरल बोगी की यात्रा कैसे होती है और उसका पूरा यात्रा वृतांत जो है अभी 2 वर्ष पूर्व इसमें प्रकाशित होकर आया है। अच्छा, तो इसमें राजस्थान की आपको पूरी संस्कृति मिलेगी, मेवाड़ की और मारवाड़ की जो है जहाँ मैंने घूमा, वहाँ के गीत मिलेंगे, वहाँ का खाना मिलेगा, वहाँ की बोलचाल की भाषा मिलेगी, है ना। तो सारी चीज़ें जो है वहाँ के मजदूर जो है किस तरह से काम करते हैं, जी जी, किस किस तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वहाँ की आर्कियोलॉजी क्या है, वहाँ का स्थापत्य क्या है, वहाँ के किले किस तरह से निर्माण हुए, वहाँ के कौन कौन से राजा थे, क्या था, तो इतिहास के साथ सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। भाई खेजड़ी का वृक्ष जो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, वो भी इसमें आपको मिलेगा। रात को क्या बोलते हैं, फौजी भाई मेरे को बैठ के गाना सुनाता है, वो गाना भी इसमें आता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक वृतांत में आती हैं तो वृतांत रुचिकर होता है। पाठक जो है आपके साथ जहाँ से आपने यात्रा प्रारंभ की है वो खुद आपके साथ यात्रा प्रारंभ करता है और पूरी यात्रा ऐसा विजुलाइजेशन होता है कि उसके साथ यात्रा करते हुए देखते हुए जब आप यात्रा संपन्न करते हैं तो वो भी अपनी यात्रा संपन्न करता है, आत्मा के साथ उस वृतांत के साथ जुड़ जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैं अभी जब आपने जिक्र किया तो मुझे भी एक संदर्भ याद आ रहा है कि अभी मैं राहुल शंकरत्यान जी की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मेरी जीवन यात्रा। जब मैं जीवन यात्रा को पढ़ना प्रारंभ किया तो उसके 6 खंड हैं, तो ऐसा लगा कि जो आपने कहा तो मुझे याद आया कि मैं लेखक के साथ बह रहा हूँ। बिल्कुल। और वो पहुँच रहे हैं तिब्बत, तो मैं तिब्बत पहुँच गया, वो ईरान पहुँच रहे हैं तो ईरान में पहुँचा, ईरान से वो सोवियत संघ पहुँच रहे हैं, रूस। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पाठक एक तरह से तादाद में स्थापित कर लेता है लेखक के साथ, उसके साथ जुड़ जाता है। और यही यात्रा वृत्तांत की मेरे ख्याल से सफलता भी है कि उसमें आप एकमेय हो जाएं, तभी वो ठीक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, अपन ऐसा मान सकते हैं। यात्रा के दौरान साथी भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो कोई देसी साथी भी मिल जाता है, कोई विदेशी साथी भी मिल जाता है। जनरल बोगी इस समय जब मैं ये यात्रा कर रहा था तो एक मुझे विदेशी साथी मिली जो है, और उसने बहुत सारी यात्रा मेरे साथ में की, उसका भी इसमें जिक्र है जो है। अच्छा अच्छा हम लोगों ने साथ यात्रा की वहाँ पर जो है, लगभग 15 दिन की। अच्छा अच्छा तो बड़े अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं हमको, उस वहाँ की जानकारी मिलती है, सब कुछ मिलता है वहाँ से जो है। तो जो कुछ उसने शहर लुधियानवी का एक शेर मुझे याद आता है कि दुनिया ने तजुर्बातो हवा दिश की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया वो लौटा रहा, वो लौटा रहा। बिल्कुल। तो यात्रा वृतांत जो है दुनिया से पाकर और इसी संसार को लौटाने जैसी चीज है, इदम नमम का भाव वहाँ पर जो है मन में आता है, मन में आता है। भाई दीपेन, आप बतलाएं कि जब हम ललित जी से उनके यात्रा वृतांत के संदर्भ को जब हम यहाँ समझ रहे हैं तो आपका दृष्टिकोण किस प्रकार से सामने आता है यात्रा वृतांत को लेकर के। जब ये आप लोगों की चर्चा चल रही है, जो ललित जी जिस तरीके से अपनी यात्रा वृतांत के बारे में बता रहे हैं, जो भाव उनके मन में लिखते समय आ रहे हैं, या जो आपने भी शेयर किया, जो आप बुक पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत हद तक सही है कि जब आप एक लेखक होते हैं, जब आप लिख रहे हैं तो आपकी यात्रा आपने लिखी है, और जब एक पाठक है वो जो पढ़ रहा है वो आपकी यात्रा को ऐसा महसूस कर रहा है कि उसने भी वो यात्रा की है। एक लेखक की सार्थकता यही होगी कि उसका जो पाठक है वो उसको पढ़ के उसको ऐसा महसूस हो कि उसने स्वयं यात्रा की है, उसके मन में ऐसे भाव आए कि नहीं, इस जगह तो मुझे जाना ही है। जी जी। किसी भी लेखन में हमारी जो रुचि है वो कई पहलुओं पर हो सकती है, उसमें हम कई प्रकार की चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अभी जिस प्रकार का हमारा ये करंट में जो सिनेरियो चल रहा है, जो वर्तमान देश में परिस्थिति है, पहले इतना लोग ट्रैवल करते थे, लिख नहीं पाते थे, कुछ लिखते थे बहुत अच्छा लिख पाते थे लेकिन वो कभी की पहुंच में नहीं होता था। पर अभी चूंकि साहित्य ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को हम देख कर सीखते हैं, लोगों में रुचि पैदा हो गई है, लोग एक परिवर्तन चाहते हैं तो वो आज पढ़ना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से जब अच्छा कंटेंट पढ़ने की चाहत पाठकों में होती है तो एक लेखक भी जो होता है वो अच्छा कंटेंट लिखने की कोशिश करता है। जब वो अच्छा लिखने की कोशिश करता है तो उसके लिए वो घूमता है, यात्रा करता है, यात्रा करते करते उसको अनुभव होते हैं। घुमक्कड़ी शब्द का आपने उपयोग किया, मुझे निर्मल वर्मा जी का भी संदर्भ याद आता है कि उन्हें भी एक घुमक्कड़ और फक्कड़ कहा जाता था निर्मल वर्मा जी को। जी। लोकगीतों का दरवेश देवेंद्र सत्यार्थी को जब हम कहते हैं तो मुझे लगता है कि आज हम लोकगीतों के जितने भी संग्रह को देख रहे हैं तो उसके पार्श्व में देवेंद्र सत्यार्थी जी का योगदान सहज हमें स्मरण होता है।
तो केवल मुझे लगता है कि यात्रा वृत्तांत केवल यात्रा वृत्तांत ना हो करके वो एक ऐसी समृद्ध परंपरा को साधने का भी काम हो लेखक करता है, जिसमें आप बता रहे हैं कि वो एक तरह से संस्कृति को भी पिरो रहा है, पुरातत्व को भी पिरो रहा है, बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनको वो लेकर के चल रहा है। अभी वर्तमान का संदर्भ क्या मान रहे हैं ललित जी? एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जी घुमक्कड़ वो भौंरा होता है जो एक संस्कृति के पराग कण दूसरी संस्कृति में ले जाकर बिल्कुल छोड़ता है और वहां पर वो पुष्पित और पल्लवित होती है। तो दो संस्कृतियों के बीच में जो मेल हमको मिलाप दिखाई देता है, जो संधि हमको दिखाई देता है, उसका मुख्य कारक जो है वो घुमक्कड़ होता है। घुमक्कड़ दुनिया से जो सारी चीज़ें निकल के आती हैं वो घूमने के कारण ही निकल कर आती हैं। आपको मालूम होगा कि गांव में जब पहले मनोरंजन का साधन नहीं होता था तो खाना खाने के बाद चौपाल होती थी मनोरंजन के लिए। जी तो कोई कहीं से घूम के आता था तो अपने यात्रा वृत्तांत की कहानियाँ जो है वहाँ पर बैठ के सुनाता था, लोग बड़ा रस लेते थे। दूसरी बात जो है, यात्रा वृत्तांत जो होता है वो वास्तविक होता है, कल्पना उसमें नहीं होती है। बिल्कुल जो आपके साथ घटा है, जो आपने देखा है, उसको बिल्कुल आप उतारते हैं अक्षरों में, उसको पिरोते हैं, शब्द आपके होते हैं, आपकी भावनाओं के साथ शब्द जोड़ते हैं। कल्पना ना होने के कारण ही पाठक उसके साथ जुड़ता है बिल्कुल क्योंकि वास्तविक रूप में वहां पर आ रहा है वो जो है। एक मैं आपको जनरल बोगी से जी थोड़ा सा एक चैप्टर पढ़ के सुनाता हूं। जब हम और हमारे साथी जो है यात्रा संपन्न करते हैं और वहां से निकल रहे हैं, तो जी देखिए क्या वार्तालाप हो रहा है। बना उसने कुछ मुझे प्रस्ताव दिया था, तुम मेरे प्रस्ताव पर विचार करना घर जाकर। ग्रेशिया का रिकॉर्ड फिर वहीं से शुरू हो गया जहां सुई फंसी थी। मैंने अपना फैसला बता दिया, अब उस पर कोई विचार नहीं हो सकता क्योंकि किसी का मन रखने के लिए झूठ बोलकर प्रतीक्षा करवाना मेरी फितरत में नहीं है। स्पष्ट कहने सुनने में थोड़ी तकलीफ अवश्य होती है पर सदा के लिए सुख हो जाता है। तो तुमसे बिछोड़ते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है पर तुम्हारा कथन भी सही है, यह कहकर वह रोने लगती है, मैं भावुक हो जाता हूँ। हम स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, मोहम्मद राणावास की टिकट ले आता है, ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी है, सारे डिब्बे खाली पड़े हैं, कोई इक्का दुक्का सवारी बैठी हुई है। हम भी बीच के खाली डिब्बे में चढ़ जाते हैं। ग्रेसिया मेरा हाथ अपने हाथों में लेती है, लगता है कि कोई कसम धराने वाली हो, भीतर से घुरघुरी हो रही है। तुम्हारी गिनती मेरे अच्छे मित्रों में होगी, यह सफर मेरे लिए यादगार है, मेरे जीवन के लिए भी यह न भूलने वाला सफर रहेगा। लोको पायलट ट्रेन का आगे बढ़ाकर सायरन बजा दिया, मैं ग्रेसिया से नीचे उतरना कहता हूँ। मेरे डिब्बे में कोई दूसरी सवारी नहीं चढ़ी थी। ग्रेसिया नीचे उतरती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं दोबारा जब भी भारत आऊँगी तुम्हारे साथ अवश्य आऊँगी, तुम्हारे पास अवश्य आऊँगी। उसकी आंखें फिर डबडबा जाती हैं, मेरा हृदय फिर भर आता है, पर कठोरता बनाए रखना जरूरी है। ट्रेन चलने लगती है तो मैं उससे कहता हूँ कि जब तुम मेरे घर आओगी तब मेरे बच्चे तुम्हें बुआ कहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, ये हमारी संस्कृति है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो है इस यात्रा का जनरल बोगी का समापन होता है। यहाँ पे सांस्कृतिक छटा जो है जी ऐसा लग रहा है कि जो आपने उकेरा है उसमें पाठक बिल्कुल, मैं तो अभी सुन रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ, बह रहा हूँ। तो ये एक तरह से यात्रा वृत्तांत की एक खूबसूरती है, उसका एक सौंदर्य है कहना चाहिए। ये क्या है कि आप यात्रा वृत्तांत में एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये आप उस कालखंड को टाइम मशीन में दर्ज कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। बिल्कुल सही बात है। अगर हम भारत का इतिहास देखें तो आर्कियोलॉजी में जब खुदाई होती है तो फायहान देखा जाता है, अलबरूनी ने क्या लिखा था अपने यात्रा वृत्तांत में, और लास्ट में व्हेनसांग में जा व्हेनसांग के वॉल्यूम में जाकर यहाँ की आर्कियोलॉजी खत्म हो जाती है। बिल्कुल अगर व्हेनसांग अगर नहीं होता तो सिरपुर को कौन जानता। सिरपुर पर मैंने किताब लिखी है, सिरपुर सैलानी का नजरिया, पहली किताब थी सिरपुर पर हिंदी में, कि जो आने वाला घुमक्कड़ पाठक है वो जाने। तो इसमें सिरपुर की सारी चीज़ें हैं कि सिरपुर का पतन क्यों हुआ, इसके लिए मैंने बहुत सफ़र भी किया जानने के लिए कि सिरपुर और ये दोनों, तो मंसर जो है वाकटक की राजधानी, और ये दोनों एक साथ गिरे थे भूकंप जी में। जी जी तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल अली जी, इतनी रोचक चर्चा और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को उपलब्ध हो रही हैं, और दर्शक मुझे ऐसा लगता है कि इसका आनंद भी ले रहे होंगे, लेकिन समय की आप जान रहे हैं कुछ, उसका समय का अनुशासन है, तो
और वो समय का अनुशासन हमें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, दीपेंद्र जी, ललित जी, कि आप लोगों ने बहुत अपना महत्वपूर्ण समय इस चर्चा के लिए दिया और निकाला। तो साथियों, ये थी चर्चा यात्रा वृत्तांत पे, और साहित्य की अनेकानेक नवीन विधाओं में हम हमेशा से अपने संस्करणों में किसी न किसी एक विषय को लेकर के उपस्थित होते आए हैं। अगले संस्करण में फिर ऐसे ही किसी नए विषय के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।